नाउ स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट दिस पिक्चर दिस पिक्चर मोटिवेट मी अलॉट अब ये एक्चुअली दो पिक्चर्स हैं मैंने जानबूझ के जो पहली पिक्चर है उसको मैंने क्रॉप किया अब पहली पिक्चर में आपको आप समझें कि ये कुछ लोग हैं इंस्टेड ऑफ किटन्स या जो चूजे होते हैं ये कुछ डिवेलपर्स हैं कुछ कंपनी के एम्प्लॉज हैं वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर रहे हैं ये नहीं किसी को पता वो क्या कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर रहे हैं एवरी बडी इज बिजी दे आर ट्राइंग टू डू समिंग इस पिक्चर में और जो ये अगली पिक्चर है दिस विल टेल यू द स्टोरी जो मैनेजर है या जो मैनेजर है उसकी तरफ लोग देखते हैं कोई काम करने के लिए अब जो मैसेज लिखा हुआ है वो उसको मैं अगर उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं वो लिखा हुआ कि जो बाकी डेवलपर हैं जो बाकी टीम है वो ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि जो आगे हमारा लीडर है वो उसको पता है क्या करना है मतलब दिस पिक्चर इज टेलिंग यू कि अगर मैं इस पिक्चर में से एक बंदे को निकाल दूं जो मैनेजर है तो देर इज अ के तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि अगर आप मैनेजमेंट लेयर को निकाल दें बीच में से सो यू आर एक्चुअली हैविंग अ के और इसका एक बहुत स्टैटिस्टिकली प्रूव रीजन है देखें जो मैनेजमेंट स्टाइल है या मैनेज करने का तरीका है उस पर बहस हो सकती है यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ मैनेजर्स होते हैं जो कहते हैं हर घंटे बाद मुझे अपडेट करो हर घंटे बाद मुझे बताओ क्या किया है कुछ मैनेजर्स होते हैं और वो बहुत कम मैंने अभी तक देखे हैं जो काम दे के फुल लेवरे दे, दे दें किसी डेवलपर को या अपनी टीम को कि अपनी मर्जी से काम करो मुझे काम में इंटरेस्ट है क्वालिटी सफर नहीं होनी चाहिए लेकिन आई विल एवेल्यूएट यू ऑन डेड लाइन या दिसन हम लोग का डेमो है लेकिन जो पंच लाइन है वो ये है कि जो लोग हैं जो डेवेलपर्स हैं दे कांट गो टू सी फॉर एग्जाम्पल दे नीड टू दे नीड टू टॉक टू सीनियर जिसको जिसको वो देखते हो इन द टाइम ऑफ क्राइसिस जिसको वो देखते हो एट द टाइम ऑफ लीडरशिप रिक्वायरमेंट यानी प्रोफेशनल लाइफ में हर दूसरे मिनट में कोई ना कोई चैलेंज आ रहा होता है तो अगर आप डेवलपर्स को उनके आप पे छोड़ दें और ये एक्सपेक्ट करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी 100-200 बंदे पे ग्रो कर गई है तो सीईओ विल विल जंप इन एवरी टाइम दिस इज इनसेन यानी ये गलत ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सी ई के पास और बड़े काम हैं करने के लिए तो मैनेजमेंट का जो रोल है वो एक्चुअली टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजर का आजकल नहीं है आजकल है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडर गाइड करना समबडी हु कैन कोच मतलब अगर कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो डेवलपर्स को कोई डायरेक्शन चाहिए वरना काम नहीं हो सकता यानी वन गुड डे आप ये एक्सपेक्ट करें कि डेवलपर्स को खुद पता हो कि उन्होंने आज क्या करना है कैसे करना है किस वक्त करना है ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लोकल इको में ये बड़ी कॉमन है यानी इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर एक काम फॉर एग्जाम्पल छः घंटे में होना है आप डेवलपर से ये एक्सपेक्ट करें कि ये काम वो दो घंटे में कर दे और डेवलपर से ना पूछें और दो घंटे बाद करें कि तुमने काम नहीं किया ये सुनने में बड़ा ऑड लगता है लेकिन जो मैं अगली बात करने लगा वो उससे ज्यादा ऑड है कि ऐसा हो रहा है ऐसा होता है उसके बिजनेस प्रेशर्स भी हैं लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी है एंड सो ऑन मतलब अमूमा ये होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप ने के जो ऑनर्स होते हैं विद एक्सेप्शन्स उन्होंने कभी जॉब नहीं की होती तो वो डायरेक्टली सही बन जाते हैं तो दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द पीपल और ये एक बहुत जेनुअन इशू है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान में स्ट्रेस बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आजकल स्टार्टअप कल्चर है और स्टार्टअप कल्चर ग्रोथ की तरफ जा रहा है लेकिन इस इशू की वजह से आई कैन सी अ लॉट ऑफ लूप होल्स जिसकी वजह से कंपनी कोलैप्स कर जाती हैं क्योंकि लोगों को मैनेज करना अटैक इंडस्ट्री में इट्स अ डिफरेंट थिंग ये डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं डिफरेंट तरह से इनको मैनेज करना पड़ता है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि सौ दो सौ डिवेलपर के साथ सी खुद आके बात करेगा तो यहां पर मैं सी को बेवकूफ कहूंगा उसकी गलती है डेवलपर का कसूर नहीं है तो दिस इज वेयर मैनेजमेंट कम्स इन तो जैसे जैसे आपकी टीम साइज ग्रो कर रहा है देखिए जो सीईओ होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि दे नीड टू नो के डेवलपर्स काम क्या कर रहे हैं एंड फॉर दैट दे नीड समबडी बडी रिस्पॉन्सिबल समी सीनियर टू कीप दैम पोस्टेड या कोई अगर क्रिटिकल डिस्कशन करनी है तो वो सीईओ को अपडेट करें मतलब सीईओ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर डेवलपर के पास इंडिविजुअली जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलाइजेशन बहुत कम कंपनीज में अभी तक है कि यू कैन नॉट टॉक टू एवरी डेवलपर बाय योरसेल्फ क्योंकि कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना सी लेवल मैनेजमेंट का काम है यानी सीईओ सीओ और जो ऑपरेशनल काम है यानी वो उनका जो जो विजन है वो जो इंप्लीमेंट करना है वो मैनेजमेंट का काम है मैनेजर्स का काम है सीईओ का काम नहीं है लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि दिस इज अबाउट ट्रस्ट यानी बहुत कम होता है कि सी ईओ से डेलीगेट कर दें मैनेजमेंट पे कि ये काम करना है और इतने अरस में करना है जिस तरीके से करना कर दो वी विल नॉट इंटरफियर एंड देयर आर कपल ऑफ गुड कंपनीज इन पाकिस्तान जो कि ये कर रही हैं लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं उसमें ये बहुत बड़ा इशू है कि दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट अलॉट ऑफ दम डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट एनी आइडिया और एनी विजन इन टू रियलिटी एंड दिस इज द कोर रीजन के बंदों को मैनेज करना किसी बिजनेस को स्केल और टेक बिजनेस को स्केल करने का की है खासतौर पे ई कॉमर्स के बिजनेस को अगर आपने ग्रो करना है तो की है कि आपकी जो टीम है जो टेक टीम है वो आपकी आ, सही तरीके से मैनेज हो मैनेजमेंट से मुराद कतन ये नहीं है कि आप हर आधे घंटे बाद जाकर डेवलपर को तंग करें लेट देम वर्क गिव देम लेवरेज उनको आजादी दें काम करने की क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो दे आर द माइंड उनका दिमाग uh, से काम करना है उन्होंने नॉट uh, कि वो सुबह नौ बजे आ जाएँ और शाम को छः बजे चले जाएँ तो ये एक टिपिकल माइंड सेट है uh, uh, पाकिस्तान में जिसको uh, uh, जो कि बहुत बड़ा हर्डल है किसी बिजनेस को स्केल करने में